और इसीलिए डॉक्टर भी शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने की सलाह देते हैं नियमित रूप से एक्सरसाइज के साथ साथ आप सही और सटीक डाइट की बदौलत अपने शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल फेंक सकते हैं दालें और बीन्स दालें और बीन्स की मदद से आप शरीर में एलडीएल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को काबू में कर सकते हैं फाइबर प्रोटीन और मिनरल से भूर दालें और इनके साथ राजमा की मदद से शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा सूखे मेवे सूखे मेवों को अपनी डाइट में शामिल करने से आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा डॉट इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ शरीर के लिए जरूरी मिनरल्स भी मौजूद होते हैं साबुत अनाज आप किस तरह का अनाज खाते हैं इसका भी आपके शरीर पर असर पड़ता है अपने आटे में चोकर मिलाइए चना रागी जौ और ज्वार को अपनी डाइट में शामिल करने पर आप शरीर के बढ़े हुए कोलेस्ट्रोल को काबू में रख सकते हैं इनमें पाया जाने वाले फाइबर आपका पाचन तंत्र मजबूत करेगा और आंतों की सही सफाई हो सकेगी अलसी के बीज अलसी के बीजों को फ्लैक्स सीड भी कहते हैं इसके नियमित सेवन से आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सफलता मिलेगी इसमें ढेर सारा फाइबर होता है और इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीक्सीडेंट बैड कोलेस्ट्रॉल को काबू करके गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाने में मदद करते हैं बैंगन बैंगन खाकर भी आप बैड कोलेस्ट्रॉल की छुट्टी कर सकते हैं इसमें बेहद कम कैलोरी होती है और इसके अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं इसलिए अगर बैंडर नहीं खाते हैं तो अब से खाना शुरू कर सकते हैं खट्टे फल संतरा नींबू अनानास मौसमी अनार जैसे खट्टे फलों में ढेर सारा पैक्टिन पाया जाता है जो एक तरह का डाइटरी फाइबर है इसकी मदद से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता स्तर रोका जा सकता है ओट्स ओट्स को भी अपनी डाइट में शामिल करके आप बढ़ते कोलेस्ट्रॉल पर लगाम कर सकते हैं इसमें खूब सारा घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है डियर व्यूअर इफ यू लाइक आवर वीडियो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द दर वीडियो